फ्रेंड्स आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का टर्म वन का पेपर सोल्व। उसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले का आंसर हमारे पास ए है, इसका सॉल्यूशन ये रहा। दो हमारे यहाँ से आ जाएगा, दो हमारे पास है, दो से दो को गुणा करेंगे हमारे पास आएगा चार। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारे पास सी है, सॉल्यूशन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हमारे पास बी है, तो सॉल्यूशन हमारे पास है ए वन बाई ए टू बराबर होता है बी वन बी बी टू के। तो मैं यहाँ पर के की वैल्यू कौन सी पुट करूँ कि मेरे पास ये पूरी वैल्यू बराबर आ जाए, तो यहाँ पर मेरा के की जगह क्या पुट करा जाएगा, दो ही पुट करा जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन ये रहा, सॉल्यूशन हमारे पास थ्री बाई फोर आया, आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर फाइव, हमें एक्स का मान निकालना है, जो एक्स का मान हमारे पास क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, तो एक्स का मान हमारे पास आएगा एक, तो ऑप्शन हमारे पास जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स बी आंसर है, आंसर हमारे पास ये रहा सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हमारे पास सी है, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर एट, इसके अगर हम बात करें ये क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास गलत है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है फाइव, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है जीरो। तो हमारा फॉर्मूला लगता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास देगी ये फाइव, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास जीरो, सोल्व करने हमारे पास ये वैल्यू आती है। ये ऑप्शन के अंदर नहीं है, यानी कि हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर होगा डी, सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, हमें साइड दी गई है, हमें निकालना है एरिया, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइन बाई फोर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, आंसर हमारे पास ये रहा टू एंड थ्री। नेक्स्ट पार्ट ऑप्शन नंबर बी, आंसर हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर है डी, आंसर हमारे पास यहाँ पर है, आप घर पर चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर हमारे पास है ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, ऑप्शन नंबर हमारे पास है बी, आंसर का सॉल्यूशन है हमारे पास थ्री बाई फोर, यहाँ पर किया हुआ है। चलो नेक्स्ट सिक्सटीन का आंसर हमारे पास है सी। सेवनटीन का आंसर हमारे पास है सेवन, ऑप्शन नंबर सी। ये अट्ठाईस है, ये चौदह होगा, तो ये हमारे पास कितना आएगा, सात आएगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 18 का हमारे पास है बी, आंसर हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारे पास है वन बाई टू, आंसर है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ए, आंसर हमारे पास यहाँ पर है, आप घर पे ट्राई कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारे पास है डी, ये रहा हमारे पास आंसर 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारे पास बी है, तो ये रहा हमारा आंसर वन बाई फाइव। नेक्स्ट 23 का आंसर हमारे पास 45 डिग्री, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू जीरो, साइन थीटा कोस थीटा मेरा इक्वल टू आ जाएगा, तो थीटा मेरा कहाँ पर दोनों इक्वल टू होता है, सिर्फ 45 के ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। 24 का आंसर हमारे पास सी है, ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट 25 का आंसर हमारे पास ए है, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट 26 का आंसर हमारे पास डी है, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशंस। नेक्स्ट 27 का आंसर हमारे पास है बी है, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट 28 का आंसर हमारे पास है ए, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ पर होगा, एक पॉइंट मुझे ये दे रखा है, एक पॉइंट मुझे दे रखा है, माइनस एट कोमा जीरो, एट कोमा जीरो, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का होगा जो इनका मिड पॉइंट होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा, जीरो कोमा जीरो पर आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 29 का आंसर हमारे पास होगा ए। नेक्स्ट 30 का आंसर हमारे पास होगा ए, ये हमारा आंसर। एक्स माइनस फाइव और वाई सिक्स दोनों का कट करेंगे, माइनस फाइव और सिक्स पे करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट 31 का आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। इस सर्कल के बाहर मेरा पॉइंट कौन सा आएगा, सिर्फ 3.1 ही आएगा।
नेक्स्ट 32 का आंसर हमारे पास है बी, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा ए वन बाई ए टू इसको टू बी वन बाई बी टू इसको टू सी वन बाई सी टू। मैंने वैल्यू पुट कर दी है तो के की वैल्यू मेरे पास आई है नहीं। 33 का आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, तो क्रमान सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, या दो और चार ले लो या चार और छः लो लेंगे, तो दो के फैक्टर करेंगे हमारे पास दो ही आएगा, चार के फैक्टर करेंगे दो गुना में दो होगा, दोनों का एसएफ निकालेंगे हमारे पास आएगा दो, चार के फैक्टर करेंगे दो गुना में दो आएगा, छः के फैक्टर करेंगे दो गुना में तीन आएगा, दोनों का एससीएफ हमारे पास आएगा दो। मैंने दो वैल्यू से लेकर के देखा है, एक से ही आंसर आ रहा था। 33 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 34 का आंसर हो जाएगा मेरे पास ए, 35 का आंसर हमारे पास हो जाएगा सी, ये रहा सॉल्यूशन। नेक्स्ट 36 का आंसर हो जाएगा, ये 7 इस वैल्यू से कट नहीं कर रहा है, तो बटे में जब भी मेरे पास 7 आता है तो मेरे पास कौन सी वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वैल्यू होती है, अशांत परंतु आवर्ती संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा बी, ये बेसिक क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं आप। 38 का आंसर हो जाएगा, मेरे पास फॉर्मूला है एस सी एफ ओ ए कोमा बी एल सी एम ऑफ ए कोमा बी इसको टू ए इंटू बी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ए। 39 का आंसर हो जाएगा डी, 6 की पावर 1 6 6 की पावर 2 36 6 की पावर 3 216, तो लास्ट में मेरा हमेशा 6 ही आ रहा है, मैं कितनी बड़ी वैल्यू बढ़ाता जाऊँ तो मेरा लास्ट में कितना आएगा 6, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 40 का आंसर हो जाएगा बी, ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। नेक्स्ट, हाँ इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम हमारा थोड़ा सा गलत है, तो असली जो डायग्राम बनेगा हमारा कुछ ऐसे करके बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर मैं टी की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो मेरे पास एच की वैल्यू आएगी 8, अगर टी की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ तो एच की वैल्यू आएगी मेरे पास 9, अगर टी की वैल्यू में 2 ले लेता हूँ तो एच की वैल्यू मेरे पास आएगी 8। तो जो हमारा रियलिटी में डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट मेरी कहाँ पर होगी, 1 सेकंड के ऊपर होगी, तो ये डायग्राम हमारा हो जाएगा गलत। चलो दोस्तों अब क्वेश्चन करते हैं, गेंद द्वारा प्राप्त गई अधिकतम ऊंचाई कितनी है, कब आ रही है, जब टी की वैल्यू मेरे पास कितनी होती है, 1 होती है, तो मेरी आ रही है 9, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी। आपने बताना है भूभुज कौन सा है, ये मेरा कौन सा है, टी स्क्वेयर है, टी स्क्वेयर मेरा कौन सा होता है, द्विघाती भूभुज आता है। अगला, गेंद की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के कितना समय लगा, तो आपने क्या बताना है, मैक्सिमम ऊंचाई मेरी क्या है, 9 पे आई है, टाइम कितना लगा, 1 सेकंड लगा ना, तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 43 का आंसर हो जाएगा सी। 44 का आंसर हो जाएगा मेरा 2, 45 का आंसर मेरा हो जाएगा -2 और 4, ये रहा मेरे पास सॉल्यूशन इसका। नेक्स्ट 46 का आंसर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने डब्बे में से देख के बताना है कि आंसर क्या होंगे, तो 46 का आंसर होगा डी, 47 का हो जाएगा ए, 48 का हो जाएगा सी, 49 का हो जाएगा सी और 50 का हो जाएगा मेरे पास डी। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आते तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।